ना हम लोग बाइक से जा सकते हैं ना कार से, क्योंकि जो मेरा हाथ है वो अभी भी दर्द दे रहा है। इतना बड़ा मेडिकल है, डे एंड नाइट इधर पे नहीं है, बोले तो अब कहाँ जाएंगे? मेडिकल पे मेरी दवा लेने घूम रहे थे और हमको ये ड्रेस देखने का है। ओह माय गॉड, रियली बोलते ना, हाथ में चिराग लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। फाइनली मिल गई अभी ये गोली। लेकिन ये मेरे को थोड़ी अलग क्यों लग रही है? अलग लग रही है? हाँ, फूटा हुआ है वो, ट्रांसफर में लाके दे दी चाहिए तुमको, तुम मुझे नया का बता दो। मेरे पास सपोर्ट कीजिए। ठीक है, पक्का गरीब आदमी भाई। सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग सब? होप सब ठीक होगे। तो गाइज, कल से थोड़ा आराम है, दवा लिया है और ये टाइम पे अभी ये चाय लेके आया है। तो मैं सोचा अभी थोड़ा आराम लग रहा है तो ऑफिस पे जाके बैठ रहा हूँ, तो अभी ऑफिस पे आया हूँ। लेकिन जो दवा थी उसमें से एक जो है वो ख़त्म हो गई है और वो बहुत ज़रूरी है, तो अभी हम लोग लेने जा रहे हैं। सुबह में गए थे लेकिन उनके पास था नहीं, और मैडम भी आ गई है। क्या हुआ? पैर में मट्टी घुस गई, हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। चलो चलो चलो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए मेडिकल पे, और पैर में मट्टी घुस गई तो उसके लिए भी हॉस्पिटल अभी जाना पड़ेगा। हाइड्रोजन ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्या? हाइड्रोजन ले लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, अभी चाय पी लूँ तो ऐसे जाने का। ठीक है, तो अभी हम लोग निकले हैं, और ना हम लोग बाइक से जा सकते हैं ना कार से, क्योंकि जो मेरा हाथ है वो अभी भी दर्द दे रहा है। ज़्यादा टाइम ऐसा कर रहा हूँ तो दुख रहा है बहुत ज़्यादा, इससे जा रहे हैं मतलब जो जख्म है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसी पैदल, थोड़ी ना नहीं हम लोग यहीं तो जा रहे हैं ना। लेकिन मेडिकल कौन सा था? इधर पे भी है, इधर पे भी है। तो कौन सा मेडिकल वाले ने बोला था? तो अभी दोनों मेडिकल, रात तो हुई नहीं थी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोनों मेडिकल के पास। अभी पीछे पब्लिक है, अच्छी बात नहीं है, कोई भी ब्लॉग में आएगा कोई क्या सोचता है, पर्दा करता है ये वो, तो इसके लिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग जो मेडिकल पे आए वो बड़ा मेडिकल है मुमरा का, इंशाल्लाह यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ये देख सकते हो बहुत सा मार्केट है, ये मेडिकल है, इधर मिल जाना चाहिए। वो मुमरा के इतने बड़े मेडिकल में भी नहीं है, क्या बोल रहा है, क्या कर सकते हैं। और ये कल रात में ख़त्म हो गई और कल रात से ही कहीं मिल रही नहीं है, और वो ज़्यादा पावर की है और तीन गोली है वो, लेकिन ज़रूरी है, ज़्यादा ढूंढना ज़रूरी है, देखते हैं और कहीं मिलता है क्या। इतना बड़ा मेडिकल है, डे एंड नाइट इधर पे नहीं है, बोले तो अब कहाँ जाएंगे? एक है एक और मेडिकल छोटा है, मतलब छोटी चीज़ और बड़ा धमाका रहता ना वैसा, तो अभी वो वाले मेडिकल पर जाते इंशाल्लाह वहाँ पर मिल जाए। तो जो अभी में ये मेडिकल है अलमास कॉलोनी में, ये मेडिकल पे भी नहीं है, इधर पे मैं लास्ट टाइम लिया था, और अभी वो दूसरे मेडिकल का एड्रेस दिए, देखते हैं वहाँ पे मिल के जाना चाहिए, अल्लाह करे। देखो सामने ही है, तो अभी वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह मिल जाएगी। मेडिकल पे मेरी दवा लेने घूम रहे थे और हमको ये ड्रेस देखने का है। वाह बीबी वाह, देखते हैं अभी। तो सजना को पसंद तो आया, लेकिन वो बोली क्या बाद में लेते हैं। अब वो बाद में क्यों क्या मालूम, प्राइस देख के बोली या फिर ऐसा ही बोली, बाद में सुकून से आके अच्छे से पूरा देख लूँगी डिजाइन बनता है। ओके ओके ओके, एक तो मेरी गोली नहीं मिल रही है ऊपर से इसको ड्रेस देखने का, अब बोलती बाद में देखे। मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मेरा ख्याल है प्राइस देख के सकीना डर गई। नहीं, प्राइस देख के नहीं डरी, उससे महंगा वाला मेरे पास। ओह माय गॉड रियली, ठीक है चल चल मेडिकल आ गया। क्या लगता है यहाँ मिलेगा? बड़ी मेडिकल, इससे बड़ी मेडिकल का है अंकल ने यूं तो की है। अंकल है क्या? ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी अंकल ढूंढेंगे खोजेंगे उसके बाद पता आएंगे। यहाँ पे और भी मेडिकल है, यहाँ मिल गई तो अच्छी बात है। तो अंकल अभी ढूंढ रहे इनके खजाने में, बस अंकल बोलना चाहिए है है? मत ऐसा करो अंकल प्लीज, बहुत जरूरी है, जरूरी है, कल से खाया नहीं। और ये जख्म सूखने के लिए है क्या? हाँ तो वो बहुत जरूरी है, अंकल ढूंढ रहे बेचारे, मेहनत कर रहे हमारे लिए, और मिल जाना चाहिए। दूसरे अंकल भी, तुम भी ढूंढो ना। क्या बोले अंकल? नहीं मैं
जितनी इनको मैंने खतरनाक गोली बोल दिया वो क्या दोनों ढूंढने में लग गए एक साथ बल्फ लेके ढूंढ रहे हाथ में तो भी बोलते ना हाथ में चिराग लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा अंकल बल्फ लेके ढूंढ रहे हैं तुम्हें वो अंकल उधर किधर जा रहे ढूंढने दूसरी कंपनी की नहीं चाहिए ना अंकल डॉक्टर बुरा मान जाएगा सेम चाहिए नहीं है अभी अंकल बोलते कल मंगाओ क्या मैं देखता हूँ अगर दूसरी तरफ मिली तो ठीक नहीं तो आपको बोल देता हूँ कल मंगाने का ठीक है थैंक यू चलो बाय अब देखते हैं दूसरे मेडिकल में मिलता है क्या नहीं मैं तो फिर अभी इधर गोली में ही रहना पड़ेगा है ना पूरा मुमरा खोज देंगे अभी ये मेडिकल में देखते हैं मिलता है क्या तो फाइनली मिल गई अभी ये गोली लेकिन ये मेरे को थोड़ी अलग क्यों लग रही है अलग लग रही है हाँ, इसका वही है थोड़ा छोटा वही है और एक दे दो ना तो अभी दो दिन की ले लेते ना नहीं तो फिर बाद में वापस ढूंढना पड़ेगा बहुत कीमती गोली है ये इतनी छोटी है और ये कितनी की है इतनी ये तीन ही गोली है और ये तीन गोली है वन फिफ्टी एट की तीन नहीं वो 203 रुपए की थी ये अलग है कम करके दिए 203 रुपए की है ये पक्का सेम है ना सेम है ये क्या बोलते हैं ये पुराना स्टॉक हाँ सही सही लेकिन असर वही है ना पक्का डेढ़ भी है अभी साल डेढ़ साल देख लेते एक बार अच्छे से तो फाइनली महक मेडिकल में मिल गया हम लोग को दवा और हाँ इसको चॉकलेट भी मिल गया तो अभी हम लोग एक्स्ट्रा में ही ले लिए एक पत्ता और क्रीम भी ले लिए क्योंकि क्रीम एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है तो स्टॉक में रखेंगे तो अच्छा है तो अभी अलहमदिल्ला मिल गई अभी थोड़ा सा सकीना को कुछ बाज़ार लेने का वो लेके फिर घर पे चलते अभी सकीना ने एक तरफ से झाड़ ली थी उनके पास जा रही है तो तुमने फूटे हुआ दिए थे बोले दिखाएंगे तो यकीन होएगा नहीं तो नहीं होएगा टूट गया रहेगा थैली में डाल के दिए थे चलो क्या हुआ दूसरा गमला ठीक है डन तो सक्सेस हो गया जो इनका टूटा था गमला वो अक्खा मिल जाएगा रिटर्न सकीना अदरक लहसुन बोलती इससे ज्यादा हरा मसाले में देते है ना हरे मसाले में ही लेने का ऐसा अलग नहीं लेने ये इतना लिए पाव पाव किलो कितने का 100 रुपए का सस्ता है महंगा है बहुत ज्यादा महंगा है ओ भैया टमाटर कैसा दिए भाई 30 रुपए किलो 40 रुपए दिए अरे बाप रे इतना महंगा क्यों है यार अरे भाई सस्ता था महंगा हो गया क्यों क्यों इतना महंगा हो रहा है लेकिन अभी टमाटर जाएगा 50 रुपए पाव 60 रुपए तक बिकेगा बाप रे बाप 40 रुपए किलो किधर का टमाटर है ये टमाटर भी महंगा है सकीना तो कांदा सस्ता हो गया लेकिन टमाटर महंगा हो गया हाँ किधर का टमाटर है ये नासिक का है गोल वाला टमाटर नहीं लाते तुम लाया था भाई तो फिर गाउटी वाला हाँ गाउटी ना तुम क्या बेच रहे सस्ता है महंगा है कैमरामैन आंटी को फोकस करो अरे मेरा ही बोले नहीं सबका बोले निकाल दे टमाटर अभी सस्ता तो हाँ क्या बोल रहा हूँ तुम्हारा फोटो निकाला वो बहुत अच्छा वाला अरे क्या बोल दो भाई तुम पूरी मेरी गाड़ी लेके चले जाते भाई कल बोला यूट्यूब में डाल दो भाई यूट्यूब पे डाल दूँ 11 तारीख को इससे अच्छा टमाटर 10 रुपए किलो था हाँ आज के डेट में महंगा ही है तो अचानक इतना महंगा क्यों हो गया महंगा हो गया अब क्या करेगा भाई बाप रे बाप रे बाप सस्ता रहेगा तो आप लोग को सस्ता ही मिलेगा 10 दिन में डायरेक्ट डबल है ना
डबल रेट हो गया 10 दिन डायरेक्ट। और टमाटे तो देखो कितने बड़े बड़े, ये देखो वो 30 रुपए किलो, ये वाला है ये कितना रुपए किलो है? 40 रुपए। ये 40 रुपए या 30 रुपया सही है? हाँ ये तुम इसमें से निकाल रहे अलग अलग? नहीं नहीं, तो अलग माल है। अच्छा मतलब सब किस्म के, ये 40 वाला है, ये 30 वाला है। अच्छा कच्चा है इसमें? हाँ। तो कच्चा क्यों बेच रहे? कच्चा आ रहा है, मार्केट से कच्चा आ रहा है, कम भाव आ रहा है। ठीक है, तो ब्लॉग बनाने का फायदा हुआ, भैया ने हम लोग को 10 रुपया कम में टमाटर दिए है ना। और मैं सुहेल को लेकर रोज आऊंगी ब्लॉग बनाने के लिए। अच्छा चाहिए, क्या बोले? हमेशा आइए मेरे पास, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, पक्का आदमी भाई, पक्का नहीं हूँ। आप लोग भी इनसे टमाटर लेके आइए कौन सा आके, ये 10 रुपए कम में दिए मेरे को, तुमको भी कम में देंगे है ना भैया। चलो जाओ, मैं अल्लाह हाफिज। तो अभी हम लोग घर पे आ गए और मैं आपको अभी आज की जो मेरी पीठ की हालत है वो आपको बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन से अभी आराम है, कल भी थोड़ा आराम था और आज उससे भी ज़्यादा आराम है। और अभी जो दवा कम पड़ रही थी वो भी मिल गई, आज वो खाएंगे। और देखो अभी कैसा मेरी पीठ का मतलब हाल है, जो पहले के दिन थे उससे तो बहुत अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है, रिकवर हो रहा है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक के ब्लॉग देखने के लिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट में जो आपने इतना सारा प्यार दिया, इतनी सारी दुआ दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। आपकी दुआ से, दवा से ही मेरी पीठ इतनी अच्छी हुई है, मैं तो पॉसिबल नहीं था। और ऐसे ही दुआ में याद रखो इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग और प्रैंक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय।